सो दिस इज नितेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूएसबी टाइप सी पोर्ट के बारे में। आज कल मार्केट में एक तरह से यूएसबी टाइप सी पोर्ट का हाइप हो गया है। कोई भी नई कंपनी जो भी स्मार्टफोन, टैबलेट्स या लैपटॉप्स लॉन्च कर रही है तो उसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट मिल रहा है। तो यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता क्या है और दोस्तों यूएसबी टाइप सी पोर्ट हम क्यों लें, हमें क्या फ़ायदा है यूएसबी टाइप सी पोर्ट से, हम क्यों स्विच करें अपने यूएसबी टाइप बी पोर्ट से यूएसबी टाइप सी पोर्ट में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कुछ हमें नया मिल रहा है यूएसबी टाइप सी पोर्ट में। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन लाल कलर का दिख रहा होगा उसे जाके ग्रे कर दो, बगल में घंटा है उसे भी बजा देना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आपका ज़्यादा समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो होता है उसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि यूएसबी टाइप ए पोर्ट क्या होता है, टाइप बी पोर्ट क्या होता है, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है पहले तो आपको उस नोमेनक्लेचर को समझना पड़ेगा। तो जो ये नोमेनक्लेचर है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये उनके फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है मतलब उसकी बनावट पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, ये टोटली उनकी बनावट पर डिपेंड करता है। यूएसबी टाइप ए पोर्ट उसकी अगर बात कर ले तो यूएसबी टाइप ए पोर्ट जो होता है, जो कि आप नॉर्मल लैपटॉप्स में देखते हैं जो बड़ा वाला पोर्ट जिसमें आप पेन ड्राइव लगा के यूज कर सकते हैं या माउस लगा के यूज करते हैं, उसे यूएसबी टाइप ए पोर्ट कहा जाता है। और यूएसबी टाइप पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसके हम कोई भी प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं जिसमें यूएसबी टाइप पोर्ट का कनेक्शन दिया होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है यूएसबी टाइप बी पोर्ट। तो अगर आप बात कर ले यूएसबी टाइप सी पोर्ट की तो यूएसबी टाइप सी पोर्ट में 24 पिंस होते हैं और ये होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से मेरा मतलब ये है कि अगर आप यूएसबी टाइप सी पोर्ट को किसी भी डायरेक्शन में अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप किसी भी तरह से अगर आप पोर्ट में इंसर्ट करोगे तो वो आपका कनेक्शन हो जाएगा। अगर वही आप टाइप ए और टाइप बी पोर्ट में अगर कोशिश करोगे तो नहीं होगा। हमेशा हमें जाके चेक करना पड़ता है कि यूएसबी जो टाइप ए पोर्ट रहता है वो पेन ड्राइव जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें एक साइड में वो इंसर्ट होता है और एक साइड में नहीं होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट में नहीं मिलेगी। ये तो रही बात जिसमें फिजिकल शेप के अनुसार यूएसबी को डिवाइड किया गया था, जैसे यूएसबी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, लेकिन जो डेटा ट्रांसफ़र के आधार पर भी यूएसबी को डिवाइड किया गया है उसमें हम लोग जनरली देखते हैं यूएसबी 1.0, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, 3.1। तो ऐसा कतई ना मान लेना कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट है तो यूएसबी 3.1 ही मिलेगा आपको, ऐसा कोई जो नहीं है। ऐसे कुछ डिवाइसेज है जो यूएसबी टाइप सी यूज करती है बट उसमें डेटा ट्रांसफ़र 2.0 यूएसबी वाला मिलता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3.1 ही मिलेगा। लेकिन आजकल जो बन रहे हैं जो भी यूएसबी टाइप सी उसमें 3.1 यूएसबी का आपको सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम लोग जनरली मान लेते हैं कि यूएसबी टाइप सी है तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र ही मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर बात कर ले यूएसबी टाइप सी पोर्ट की तो ये इंट्रोड्यूस हो गया था 2014 में, लेकिन लोगों को कैसे पता चला, जब एप्पल ने अपनी मैकबुक इंट्रोड्यूस की उसने कोशिश किया था कि बहुत थिन लैपटॉप बनाए। अगर थिन लैपटॉप बनाते हैं तो उसमें स्पेस कॉन्स्टेंट होता है और उस स्पेस कॉन्स्टेंट को बचाने के लिए लैपटॉप में उन्होंने टाइप सी पोर्ट किया था चार्जिंग के लिए। तो उसके बाद से ही ये बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों को पता चलने लगा कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी होता है। तो यूएसबी टाइप सी पोर्ट में सबसे पहले एप्पल मैकबुक ने यूज किया था। अगर मोबाइल की बात कर ले तो एलई टीवी जो है उसने सबसे पहले यूएसबी टाइप सी पोर्ट यूज किया था। अगर टैबलेट की बात कर ले तो नोकिया N1 टैबलेट जो है वो सबसे पहले यूएसबी टाइप सी पोर्ट लेके आया था। और अगर फ्लैश ड्राइव की बात कर ले तो सबसे पहले सैंडिस्क की फ्लैश ड्राइव ने यूएसबी टाइप सी पोर्ट को यूज किया था। तो दोस्तों आते हैं इसकी एडवांटेजेस में। तो पहला एडवांटेज ये है कि इसका डिज़ाइन बहुत सिमेट्रिकल है, तो आप किसी भी तरह से इस पोर्ट को इंसर्ट करो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और दूसरी एडवांटेज ये है कि ये जो है चार्जिंग बहुत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आपको 5 एम्पियर तक करंट सपोर्ट करता है, 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली आपकी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा देता है, लगभग डबल कर देता है आपकी चार्जिंग स्पीड को। और जो आपका टाइप सी पोर्ट आ रहा है वो यूएसबी 3.0 के साथ आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड है वो बहुत इन्हांस हो जाएगी पहले वाले यूएसबी पोर्ट से। और जो ये यूएसबी पोर्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी होगा, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक यूनिवर्सल पोर्ट होने वाला है। तो इन फ्यूचर आपको एक ही वायर रखनी पड़ेगी जो कि आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए, तीनों के लिए एक ही आपको वायर रखने की ज़रूरत पड़ेगी।
और जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसमें क्या होगा कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो होता है वो ऑडियो वीडियो फाइल सिग्नल्स को सपोर्ट करता हो, तो इन फ्यूचर जो भी आपकी स्मार्टफोन आएगी उसमें आपको हो सकता है कि 3.mm जैक ना मिले, वो सेम पोर्ट आपको जो हेडफोन जैक की तरह भी काम करेगा। आई होप वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट के बारे में क्लैरिटी तो हो ही गई होगी। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आपके पास गूगल बाबा तो है ही, बाकी आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स डाउन। एनीवे आई विल बी हैप्पी इफ़ यू लाइक और डिसलाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।